पुलिस व सीएलजी समूह की बैठक में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने पर हुई चर्चा। बयाना पुलिस कोतवाली परिसर में आज शाम को पुलिस उपाधीक्षक अजय शर्मा की अध्यक्षता में पुलिस व सीएलजी समूह की बैठक हुई, जिसमें सीएलजी सदस्यों सहित नगरपालिका के पार्षदों ने भी भाग लिया। बैठक में बुधवार को बयाना कस्बे में निकाली जाने वाली श्रीराम बारात की विशाल शोभायात्रा के दौरान कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने में सभी के सहयोग की आवश्यकता बताते हुए पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार की अशांति और व्यवधान उत्पन्न करने वाले लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। सितंबर को बयाना कस्बे के अंदर परंपरागत रूप से निकलने वाली राम बारात का जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जाएगा। उसकी पूर्व तैयारियों को लेकर आज कस्बे के संभ्रांत लोगों की, उसमें आयोजनकर्ता हैं उनकी, सीएलजी के सदस्यों की, सामाजिक संगठनों की, व्यापार मंडल के सदस्यों की एक हमने मीटिंग ली है और उनसे इसमें सहयोग और एक अच्छी नई परंपरा स्थापित करने का उनसे आग्रह किया है। शांतिपूर्वक निकले, किसी तरीके का व्यवधान नहीं हो, कोई महिला और बच्चियों के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो, इस तरीके की कोई उसमें कोई अव्यवस्था नहीं हो, इस संबंध में लोगों से हमने अपेक्षा की है। लोगों ने कहा है कि हम अच्छे से इसको निकलवाएंगे और लगेगा कि बयाना के अंदर एक बहुत ही अच्छा आयोजन हो, इसे हमने पर्याप्त व्यवस्थाएँ की हैं और अभी कितना जाब्ता मिलेगा ये पता चल जाएगा, लेकिन हमने हमारे स्तर पर काफ़ी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ की हैं। कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, ड्रोन से निगरानी की जाएगी और हमारी आसूचना टीम उसमें तैनात की जाएगी। कोई भी इसमें किसी प्रकार की व्यवधान करेगा, छेड़खानी करेगा, तो ऐसे तत्वों को पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।